अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंट्रोल यूनिट के ऊपर एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अपनी स्लाइड ओपन करता हूँ। इससे प्रीवियस लेसन में हमने कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के ऊपर डिस्कस किया था, आपके लेसन में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो क्या होती है? इनपुट यूनिट हम देख चुके थे, आज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है ये एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन होते हैं। मीन जब भी आप कोई डेटा इनपुट देते हो तो सबसे पहले वो डेटा सीपीयू में जाता है और सीपीयू आगे से इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है कि आपने इसको इनपुट क्या दिया है और ये डेटा को कौन सी साइड से ट्रेवल करवाए। तो सारे काम सीपीयू के होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, I mean, सीपीयू जो होता है, ये कंप्यूटर का दबाव होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। तो मदरबोर्ड क्या होता है, आपको पीछे जो स्लाइड नजर आ रही है, इसका जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके ऊपर लगती है, प्रोसेसर इसके ऊपर लगता है। तो इस पे हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। डेटा सबसे पहले जो होता है वो सीपीयू में जाता है, जब भी आप डेटा को इनपुट देते हो वो सीपीयू में जाएगा। उसके बाद डेटा जो है रैम में जाएगा और दूसरी यूनिट्स में जाएगा, कीबोर्ड्स एंड ड्राइवर्स वगैरह में डेटा जाएगा। सीपीयू के बाद रैम में जाता है। सीपीयू जो होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है, इसको रैम में सेंड करता है और अदर यूनिट जितनी भी यूनिट्स होती है उनमें वो सेंड करता है। सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। इसकी पिन जो होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के साथ लिंक कर रही होती है। देखिए सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मीन दिमाग होता है। तो इंसान का भी जो दिमाग होता है वो जिस्म के हर एक हिस्से को लिंक कर रहा होता है, इंसान का दिमाग भी। अब आप जो भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपको वो काम जो पहले दिमाग में आता है, आप दिमाग में चीज को सोचते हो, सोचने के बाद दिमाग आपको बताता है कि नीचे ये पेन पड़ा हुआ है इसको उठाओ, तो उठाने के लिए आपके हाथ आगे उठते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है। तो सीपीयू जो होता है ये आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये आगे काम करवाते हैं और यूनिट से, और उसके बाद ये आपका जो रिजल्ट होता है वो आपके आउटपुट डिवाइसेस पे सेंड कर लेते हैं। अब मेरा देखिए दिमाग है, अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये पेन जो इसको उठाऊं मैं, अब जो मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया वो सीपीयू में गया। अब इस मीन जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक दिमाग है, ये सीपीयू जो है, तो सीपीयू में एकदम से आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी वो सीपीयू में गई। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है तो इसने कहा कि इस डेटा को स्टोर कर लो, स्टोर करने के लिए डेटा जब स्टोर होगा तो वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क में चला जाएगा। इसी तरह जब मेरे जहन में आता है कि ये पेन है इसको उठाओ, तो जहन पेन उठाने तक मेरे जहन में जब ख्याल आया उसके बीच में पेन उठाने तक जो मैंने प्रोसेस किया, इसको आप प्रोसेसिंग कहते हैं, ये सारा प्रोसेस हुआ और जब मैंने पेन नीचे से उठा लिया तो ये आउटपुट आ गई। इसी तरह सीपीयू भी काम करता है। तो सीपीयू सबसे पहले आप जब कोई भी इनपुट देते हैं वो डायरेक्ट सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और अदर जो इसकी यूनिट्स होती हैं उनमें वो सेंड करता है और फिर आपको आउटपुट परफॉर्म करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भी आगे दो मजीद यूनिट्स होती हैं। आप देखें ये मदरबोर्ड है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू जो होता है वो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, मदरबोर्ड के ऊपर अटैच किया होता है सीपीयू। प्रोसेसर ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मीन सीपीयू है, इंटेल कोर i7 का है, ये रैम है आपके पास। तो ये सारी चीजें जो है, ये रैम हो गया, ये सीपीयू हो गया, रैम के लिए ये स्लॉट बनी हुई है, यहाँ पे रैम इंसर्ट होती है, लगती है, तो दोनों जो स्लॉट है ये रैम के लिए, तो रैम यहां पे लगती है। जबकि आपका जो सीपीयू होता है वो उस
कि यहाँ पे जगह बनी हुई होगी, नजर नहीं आ रहा ये बोर्ड जो है, ये समझ नहीं आ रहा ये कौन से। हाँ ओके, ये देखें ये सीपीयू सॉकेट है, आपको नजर आ रही होगी ये जो ये सीपीयू सॉकेट है, और इसके अंदर आप ये सीपीयू इंसर्ट करते हो। तो ये सारी चीजें मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। मदरबोर्ड के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसके हर एक 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 एलिमेंट्स को हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। उसके बाद आपके पास कंट्रोल यूनिट सीयू। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है, ये नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर के हर एक चीज को कंट्रोल करती है। इट्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के हर एक चीज को कंट्रोल करती है। जिस तरह इंसान की रगें होती हैं, वो हर एक चीज को कंट्रोल करती हैं, ब्लड को कंट्रोल करती हैं वो, इसी तरह आपका कंट्रोल यूनिट जो होता है ये भी इसको कंट्रोल करता है, हर एक सिस्टम के कंप्यूटर के हर एक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट जो होती है ये इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम होते हैं इनको कैरी आउट और कैरी इन करता है, इनको फ्लो करवाता है आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर में या पूरे के पूरे मदरबोर्ड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ये फ्लो करवाता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइसेस जब आप कोई इनपुट देते हो तो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको मेमोरी या किसी भी जगह में उस सेंड करता है और फिर आउटपुट परफॉर्म करता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट का एक और काम है कि जब आप कंट्रोल यूनिट का काम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनाइजेशन में एक है जी प्रिंसिपल, तो सबसे पहले जब भी कोई उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन पे कुछ लोग खड़े होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं वो होते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। वो जो होते हैं वो वहां पे आपको एक और बंदा कोई परफॉर्म करते हैं, कोई बंदा आपको देते हैं, वो जो होता है वो आपको कंप्लीट डिटेल आपको समझाता है, या वाइस प्रिंसिपल हो गया वो आपको कंप्लीट डिटेल समझाएगा। तो इसी तरह जो कंट्रोल यूनिट का काम होता है ये भी वही काम करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये आपको आपने जो काम आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने डेटे को एडिशन कर रहे हैं, 2 + 2 कर रहे हैं, अब ये जो प्लस का साइन है ये जाहिर सी बात है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे काम करेगा, और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भी अर्थमेटिक यूनिट्स पे काम करेगा, एडिशन हो रही है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये डायरेक्ट आपका ये डेटा जो है ए एल्यूमिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उसे अर्थमेटिक यूनिट पे भेजेगा, अर्थमेटिक यूनिट जो है वो इसको फिर एडिशन करेगा, मीन 2 + 2 = 4 करके आगे आउटपुट में परफॉर्म कर देगा, आउटपुट में सेंड कर देगा। तो ये होता है जी कंट्रोल यूनिट का फंक्शन। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपने जो डेटा जहां पे सेंड करना है तो वो डेटा को उस साइड पे सेंड करता है, मीन अगर आपने लॉजिक आप 0 और 1 में कंपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम ये क्या करेगा, आपके जो कंट्रोल यूनिट है वो सेंड करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये लॉजिक यूनिट में आगे सेंड कर देगी, क्योंकि इसकी भी दो टाइप्स हैं, अर्थमेटिक यूनिट अलग है, लॉजिकल यूनिट अलग है। तो ये लॉजिकल यूनिट में सेंड करेगी और लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, इन दोनों में कंपेयर करके वो बता देगा कि 0 1 है या बड़ा, सॉरी 0 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का फंक्शन है, और फिर आपको ये रिजल्ट जो देगा वो आउटपुट में परफॉर्म करेगा। तो ये जी आपके पास कंट्रोल यूनिट जो के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें जो होता है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है ये कैलकुलेशन सेक्शन होती है कंप्यूटर की। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवीजन वगैरह, ये जितने भी काम होते हैं ये सारे के सारे आपके पास अर्थमेटिक यूनिट्स पे काम होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी इसमें दो टाइप्स होती है, एक होती है अर्थमेटिक यूनिट एक होती है लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो काम करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक यूनिट जो होती है वो एडिशन सेपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम करती है, जबकि
लॉजिकल यूनिट जो होती है ये लॉजिक परफॉर्म करती है, जैसे कि दो डेटे में आपस में कंपेयर करती है, जीरो और वन को आपस में कंपेयर करेगी, देखेगी इन दोनों में ग्रेटर देन कौन सा है, इक्वल देन कौन सा है, लेस कौन सा है, इनमें कंपेयर करेगी, ये लॉजिक परफॉर्म करती है। तो लॉजिकल यूनिट्स में गेट लगे हुए होते हैं, और गेट, एक्सऑर गेट, नॉर गेट, तो वो क्या करते हैं, इनको लॉजिक परफॉर्म करते हैं, मीन इनमें डेटे में कंपेयर करते हैं डेटे को। तो ये होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। मेमोरी यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेमोरी यूनिट्स में आगे काफी सारी चीजें आती हैं जो कि मेमोरी यूनिट से रिलेटेड है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल यूनिट के अंदर जो चीजें आती हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि लॉजिक परफॉर्म करती हैं, तो उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत कम करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाली साइड पे सारी चीजें चली जाती हैं। तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इस चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, लेकिन ये कोर्स बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक समझाना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, इसमें कुछ और यूनिट्स जो है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।